भक्ति भाव से परिपूर्ण चैनल कर्म योनि में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम माता वैष्णो की दिव्य कथा लेकर के आए हैं। ये उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है इस छोटे से कथा से माता को और ज्यादा जानने का। माना जाता है कि माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी के रूप में अवतार लिया था और त्रिकुटा पर्वत पर गुफा में तपस्या की। जब समय आया, उनका शरीर तीन दिव्य ऊर्जाओं के छोटे छोटे रूप में विलीन हो गया। ये तीन ऊर्जाएं हैं महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। अब आइए जानते हैं बहुत ही प्रचलित कथा माता वैष्णो देवी की। उनका एक भक्त था श्रीधर और उनकी पत्नी। माता वैष्णो देवी के एक बहुत बड़े भक्त जो लगभग 7 शताब्दी पहले रहते थे, जिनका नाम श्रीधर था, और उनकी पत्नी देवी माँ को पूरी तरह अपना जीवन समर्पित कर दिया था उन्होंने। जहाँ एक बार श्रीधर को रात में एक सपना आया, उस सपने में एक दिव्य भंडारा करने का उपदेश मिला और आदेश मिला, जहाँ पर वो दिव्य भंडारा पूरे ग्रामवासियों को और ब्राह्मणों को, ऋषियों को कराना था। लेकिन श्रीधर की खराब आर्थिक स्थिति के चलते इस बात से श्रीधर बहुत चिंतित था कि आखिर वो ये भंडारा कैसे आयोजन करेगा। तब श्रीधर और उसकी पत्नी माता वैष्णो देवी के आगे मत्था टेकते हैं और उनसे विनती करते हैं और भगवान पर ही सब कुछ छोड़ देते हैं। उनकी चिंता ये थी कि कैसे आयोजन होगा। अब वो उस चिंता के कारण पूरी रात जगते रहे, क्योंकि उन्होंने सबको निमंत्रण दे दिया था। अब वो समय भी आने वाला था जब भंडारा होना था। रात भर जगने के बाद सुबह तक जब भंडारा होना था, कोई भी व्यवस्था नहीं हुई थी, सब कुछ देवी माँ पे छोड़ दिया था। सुबह होने पर लोग वहां प्रसाद ग्रहण करने के लिए आना शुरू कर दिए। उनकी छोटी सी कुटिया में सब लोग बैठने लगे, जिसके बाद उन्होंने देखा कि वैष्णो देवी के रूप में एक छोटी सी प्यारी सी खूबसूरत सी कन्या, जिसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था, उनके कुटिया में पधारती हैं और वो उनके साथ भंडारा तैयार करने में सहयोग करती हैं और उन्हें गाइड करती हैं। श्रीधर उनकी पत्नी बहुत खुश हो जाती हैं उस बच्ची के आने पर, और गांव वालों को सबके लिए खाना बना करके, भंडारा बना करके उन्हें परोसना शुरू कर दिया। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद लोगों को संतुष्टि मिल गई और सभी खुश हो गए। लेकिन वहां मौजूद थे भैरवनाथ जी। उनको उसने अपने भैरवनाथ जी ने परीक्षा लेने के लिए, या फिर यूं कहें माता को पकड़ने के लिए, अपने जानवरों के लिए भी उसने खाने की मांग की, जिस पर से छोटी सी जो कन्या थी माता के रूप में, उन्हें क्रोध आ गया और वैष्णो देवी के रूप में आई उस कन्या ने श्रीधर की ओर से ही इनकार कर दिया जानवरों को खाना देने के लिए, जिसके बाद भैरवनाथ को अपमान महसूस हुआ कि मेरे जानवरों के लिए खाना नहीं दिया जा रहा है। यह अपमान वो सहन नहीं कर पाए और भैरव ने उस दिव्य कन्या को, उस दिव्य लड़की को, यानी कि माता वैष्णो देवी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में वो विफल रहा और वो जो देवी रूप छोटी सी कन्या थी, वो अचानक ही गायब हो गई। उनके अचानक गायब हो जाने के बाद श्रीधर और उनकी पत्नी बहुत दुखी हो गए। उनका जो मन खुश था, वो अब दुखी हो गया। उन्होंने अपनी माँ के दर्शन करने की जो लालसा थी, वो अधूरी रह गई थी। अब जिसके बाद वक्त तो गुजरा और एक रात उनको, श्रीधर को, माता वैष्णो देवी ने अपने सपने में दर्शन दिए और उन्हें त्रिकुटा पर्वत पर एक गुफा का रास्ता दिखाया। सब कुछ सपने में हो रहा था और ऐसा लग रहा था श्रीधर को जैसे कि सच में हो रहा है, और माता सच में श्रीधर पर इतनी प्रसन्न थी कि उनका मार्गदर्शन सपने में ही कर रही थी। उन्होंने दिखाया कि एक प्राचीन मंदिर है त्रिकुटा पर्वत पर एक गुफा के अंदर। श्रीधर ने बताई गई रास्ते पर चलना शुरू किया और जो देवी ने कहा था उसी मार्ग पर वो चलता रहा और फिर उसने पवित्र तीर्थ की खोज की,
और अपना जीवन उसी मंदिर में, जो आज बहुत ही फेमस है, माता की सेवा में समर्पित कर दिया, जिसके बाद से ही ये मंदिर दुनिया भर में माता वैष्णो देवी के नाम से जानने जाने लगा। अभी के टाइम में ऐसा कोई भी शायद ऐसा हो जो कटरा को नहीं जानता होगा, जहाँ हर एक व्यक्ति जो भारतवर्ष में रहता है उसकी कामना जरूर होती है जीवन में एक बार वैष्णो माता के मंदिर जाने की। तो ये वही मंदिर है। एक पवित्र लेख के अनुसार कुरुक्षेत्र और पांडवों के बीच जब महायुद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र में शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को देवी दुर्गा की पूजा करने की सलाह दी थी दोस्तों, है ना। तो ये भी वही था, माता वैष्णो देवी की ही एक लीला थी। और कहते हैं, ऐसा माना जाता है, जब तक माता नहीं चाहती तब तक उनके दर्शन कोई नहीं कर सकता है। माता के बुलावे को उनका आशीर्वाद माना जाता है, जिसके चलते लोग, हर तरह के लोग, चाहे वो बुद्धिमान या ज्ञानी हो, पुरुष हो या महिला हो, बड़े हो या छोटे हो, सब उनके बुलावे का इंतजार करते हैं। तो ये थी माता वैष्णो देवी के